सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाला दुनिया बदलता है। जिसके गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है और जिस बात की गारंटी है उसका नाम है मौत। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 5:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 9:22 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, अभी एक छोटी यात्रा आप और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधार सकती है। लेखन संगीत कला के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति के लिए समय निकालें। अलगाव और अकेलेपन का यह चरण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सकें और समस्याओं को हल कर सकें। अपने पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। अचानक ही किसी नजदीकी मित्र रिश्तेदार से मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से राहत देगी तथा एक नई ऊर्जा ही महसूस करेंगे। जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत थे आज वह समाचार आपको प्राप्त हो ही जाएगा। लोगों के व्यवहार को परखने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उनके साथ संबंधों के बारे में सोच विचार जरूर करें। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आपके सामने अच्छाई का प्रदर्शन करेगा लेकिन पीठ पीछे आपके लिए समस्या उत्पन्न करने की कोशिश भी कर सकता है। सावधानी रखें। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के आपसे विवाद का शत्रु फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हर छोटी बात पर नाराज होने की वजह से पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। सावधानियां। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि आप उनके मनसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इन दिनों खर्चों की अधिकता रहेगी जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। बच्चों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता भी रहेगी। अपने साथी से बढ़ती नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हैं। बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए या दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने नृत्य संगीत या संचार से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावना है। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थाम कर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह एक मुश्किल समय है किंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। संगीत नृत्य या प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बढ़ाएं। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और शोधों के बीच से व्यथिर करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें।
बात करते हैं सेहत की। इस समय कहीं सूजन अथवा यूरिन संबंधित इन्फेक्शन होने की आशंका है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और बीपी और शरीर पर सूजन की समस्या भी तकलीफदायक होगी। आज का उपाय, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।